हेलो, गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग शुमेला. तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सही सभी को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो अपनी यूपीएससी प्रिपरेशंस की जर्नी है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ शुरू कीजिए, और इससे आपको एक्सेस हो जाएगा अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का. इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे. देखिए दोस्तों, अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. एक तो उसमें लाइव क्लासेस होती हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है. करना क्या होता है, आपको जाना है प्ले स्टोर पर जाके. अगर आप नॉर्मल एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और एप्पल का अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो ऐप स्टोर से जाके आपको इंस्टॉल करना है. दिस इज़ ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों. और प्लस कोर्स लेके आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, लाइक सुदर्शन गुज्जर सर, मृणाल पटेल सर, रोमन सैनी सर, सभी लोग पढ़ाएंगे दोस्तों. प्लस कोर्स आप लेते हैं तो उसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. एक साल का कोर्स का फीस जो है 49,500 रुपये है, बट आप मेरा कोड GSHA10 इस्तेमाल करते हैं तो 44,550 रुपये आप में आपको कोर्स मिल जाएगा. वहीं अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आइकॉनिक में पर्सनल कोच भी मिलेगा आपको, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होगा, स्टडी प्लानर होगा और पर्सनलाइज फीडबैक आपको दिया जाएगा. हेलो अतुल, मेरा कोड GSHA10 यूज़ करेंगे तो ये इसका प्राइस होगा. रही बात ऑप्शनल की, तो सेम ऑप्शन में मेरा आप कोड यूज़ कीजिए, आपको इस प्राइस में मिल जाएगा. मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? और दोस्तों, एक अनअकैडमी कॉम्बैट कॉम्पिटिशन चल रहा है जो कि 6 दिसंबर से 20 दिसंबर तक 11 AM डेली होता है. इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए. इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं. आप फर्स्ट आएंगे तो ये प्राइज़ मिलेगा, सेकंड आएंगे तो ये, थर्ड ये. तो डू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्बैट. और 6 महीने आपकी एग्ज़ाम को रह रहे हैं, अलग अलग बैचेस शुरू होने वाले हैं, आप इन बैचेस पे पार्टिसिपेट कीजिए. बैचेस में आप अपना एनरोलमेंट कीजिए. मेरा जो कोड है GSHA10, आप इसको यूज़ कीजिए और मेरी अनअकैडमी पे जो क्लासेस होती हैं उसको भी एक्सेस कीजिए. प्लस पे मेरी क्लासेस होती हैं, ठीक है दोस्तों? तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं. हाँ, कल क्लास नहीं ले पाया था मैं, कुछ काम पड़ गया था मेरे को, काम से जाना पड़ गया था, तो इसलिए मैं कल क्लास नहीं ले पाया था. आज हम क्लास चालू करेंगे अपनी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, ठीक है? ये आप लोगों को क्या दिख रहा है दोस्तों? चलिए, ये क्या है आप लोगों के सामने, क्या मैंने लेके आया हूँ, क्या है ये? ताजमहल. सभी को पता है ताजमहल है, ठीक है? अब आप बोलोगे, सर आप ताजमहल की फोटो क्यों दिखा रहे हो, ऐसा आज क्या होने वाला है जो आप हमें ताजमहल की फोटो दिखा रहे हो? तो कुछ तो खास है. तो आज मैं आपको इंडिया के जितने भी कल्चरल प्लेसेस हैं वो दिखाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडिया के कल्चर को समझने के लिए. ठीक, अगर इंडिया को हम देखें तो इंडिया को कहते हैं कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, कि इंडिया में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के आपको कल्चर मिल जाएंगे, ठीक है? अगर आप देखेंगे कि हर स्टेट को देखिए, हर विलेज को देखिए, हमारे इंडिया में हर स्टेट, हर विलेज अपने आप में अलग है, ठीक है? उसकी खुद की एक अपनी हिस्ट्री, अपना कल्चर है. तो इसीलिए अगर आपको इंडिया के कल्चर को समझना है तो आपको किसी भी स्टेट के, मान लीजिए अगर आपको कल्चर को समझना है, तो सबसे पहले आपको उसकी जो सिटीज़ हैं जिससे वो स्टेट बना है, आपको उसके कल्चर को समझने की ज़रूरत है, उसकी हिस्ट्री को जानने की ज़रूरत है, उसके टाउन्स की हिस्ट्री को जानने की ज़रूरत है, विलेज की हिस्ट्री को जानने की ज़रूरत है. क्योंकि यही सब चीज़ें मिलके, यही सारी चीज़ें मिलके इसकी सोशियो एथनिक बेस बनाता है, ये सारी चीज़ें मिलके. हाँ, तो आज मैं वही यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको दिखाऊंगा. इंडिया में कौन कौन से टाउन्स हैं जिनका डेवलपमेंट हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बने हैं उन टाउन में, ये सारी बातें हम आज की क्लास में करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है दोस्तों, और मैं सही बता रहा हूँ, मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था इस क्लास का कि ये क्लास हो और मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, और आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है. ताजमहल कहाँ पे है, कोई बता सकता है कौन सी जगह में है? तो ताजमहल जो है वो आगरा में है,
और आगरा जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटी है इंडिया में, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटी। तो आज हम सबसे पहले आगरा के बारे में जानेंगे, कैसे बना आगरा, क्या है आगरा, क्या क्या है आगरा में। सो ऑल अबाउट एवरीथिंग अबाउट आगरा, सो लेट्स मूव इन, देखते हैं क्या क्या है आगरा में। तो सबसे पहले दोस्तों आगरा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो कौन सी नदी के किनारे आगरा बसा हुआ? देखो एक नदी ऐसे फ्लो हो रही है, एक जो नदी है ऐसे फ्लो हो रही है, उसके कन्फ्लुएंस पे ही आगरा शहर बसा हुआ है। तो ये जो नदी है जो फ्लो हो रही है, कौन सी नदी है ये, कोई बता सकता है कौन सी नदी है ये? सो ये जो नदी फ्लो हो रही है, ये बीच में आगरा शहर के बीच में नदी फ्लो हो रही है, ये नदी कौन सी है? यमुना। तो यमुना के किनारे बसा है हमारा आगरा शहर, ठीक है दोस्तों, यमुना के किनारे हमारा बसा है आगरा का शहर। हाँ जी ठीक है। और इंडिया की हिस्ट्री का अगर मेडिवल टाइम देखें, अगर हम इंडिया के हिस्ट्री का अगर हम मेडिवल टाइम देखें, तो ये जो सिटी है मार्वल, मतलब इंडिया की हिस्ट्री जो है, अगर आपको जानना है तो आप इस एज को पढ़िए। इंडिया की हिस्ट्री को, अगर आपको मेडिवल हिस्ट्री को समझना है, तो आगरा से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, जो मुगल्स थे उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाई। किसने बनाई? मुगल्स ने अपनी राजधानी बनाई। और राजधानी बनाने के बाद इस शहर को इतना प्रोमिनेंस मिला, इतनी ख्याति प्राप्त हुई, इतना नाम हुआ, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि मुगल्स ने वहां पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए। आगरा के अंदर मुगल्स ने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए, और मॉन्यूमेंट्स के साथ साथ कई सारे गार्डन बनाए, मॉन्यूमेंट्स बनाए, गार्डन बनाए। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है ताजमहल। आगरा अगर जा रहे हैं आप, तो आगरा में अगर कोई भी नाम अगर आप पूछेंगे, तो ताजमहल का नाम सबसे आगे होगा। ताजमहल जो है वो शाहजहां ने बनाया, ठीक है। शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल, मुमताज महल के मेमोरी में इन्होंने बनाया ताजमहल, ठीक है। और जो ताजमहल है दोस्तों, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1983 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया ताज को, ठीक है। और कई सारी इंडिया की मूवी देख लीजिए आप, कई ड्रामा देख लीजिए, कई सॉन्ग देख लीजिए जो कि रोमांटिक होंगे, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है बिल्डिंग्स, कोई भी चीज़ बनाना, ठीक है। तो वहां पे आपको ताजमहल जरूर दिखेगा। मेमोरी का मतलब होता है याद में, ठीक है। अब देखिए फतेहपुर सीकरी, इसके बाद आता है आपको, पहले हम आगरा के बारे में बात करेंगे, तो आगरा फोर्ट के बारे में बात करेंगे, आगरा के किले के बारे में बात करेंगे। तो आगरा का जो किला है, इसको भी मुगलों ने ही बनवाया था, और ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। यूनेस्को ने इसको भी 1983 में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का उपाधि दी, ठीक है। और जो एक दूसरी बिल्डिंग है वो है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो है आगरा से थोड़ा सा आगे है, ठीक है, और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये भी आता है। इसको बनाया, फतेहपुर सीकरी को एम्परर अकबर ने बनाया था, जब उनकी विक्ट्री हो गई थी, कहाँ पे, राजपूतों से वो जीते थे, जब चित्तौड़ में जब राजपूतों को उन्होंने हराया, तो उन्होंने फतेहपुर सीकरी बनाया, ठीक है। कई जो आर्किटेक्चरल लोग हैं कहते हैं, जैसे इतमादुद्दौला का टॉम्ब है, इतमादुद्दौला का टॉम्ब आगरा में है, ठीक है। और इतमादुद्दौला कौन थे? ये नूर जहां के पिताजी थे, ठीक है, जहांगीर की वाइफ जो थी नूर जहां, उनके फादर का है। तो यहाँ पे एक मखराना मार्बल जो है, बहुत एक्सपेंसिव मार्बल होता है, इसका इस्तेमाल करके इतमादुद्दौला का टॉम्ब बनाया गया है आगरा के अंदर, ठीक है। अब देखिए आपको इसमें एक चीज़ आपको बताऊंगा, एक वर्ड यूज़ होता है इंडिया के कल्चरल प्लेसेस के लिए, एक वर्ड यूज़ होता है, इसको कहा जाता है, हाँ, बुलंद दरवाज़ा जो है उसका ही पार्ट है, गोल्डन ट्राइंगल, एक वर्ड यूज़ होता है गोल्डन ट्राइंगल। ये गोल्डन ट्राइंगल क्या है? तो देखिए कुछ कुछ जो सिटी है, जैसे दिल्ली, जयपुर, और यह है आगरा, ठीक है, जयपुर, दिल्ली और आगरा,
ठीक है, कुछ कुछ जो सिटी हैं जैसे दिल्ली, जयपुर और आगरा, ठीक है, अगर आप देखेंगे ये तीनों सिटी जो है इस तरीके से सिचुएटेड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखेंगे तो दिल्ली, जयपुर और आगरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, तो इसी तीनों सिटीज को गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है। इसी को क्या जाता है? गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो सिटीज हैं टूरिस्ट नॉर्दर्न इंडिया के अगर देखें हम, तो नॉर्दर्न इंडिया का मेन जो टूरिज्म का सेंटर है दिल्ली होगा, जयपुर होगा, आगरा होगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट आते हैं नॉर्दर्न इंडिया में इन्हीं जगहों पे, ठीक है। ये गोल्डन ट्राइंगल है। अब देखिए आगरा के अंदर कुछ ऐसे भी मोन्यूमेंट्स हैं जिसको बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, जिसके अंदर एक है चीनी का रोजा और दूसरा है मेहताब बाग। मुगल्स ने ही इसको बनाया है और मुगल्स आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा नमूना है। और आपको मैं बता दूं कि क्रिश्चियन मिशनरीज जब ब्रिटिश काल में इंडिया में आए तो वो लोग भी आगरा में गए, इसीलिए आप देखेंगे मुगल कोर्ट में गए तो आगरा में गए, और उन्होंने कई सारे चर्च भी आगरा में बना रखे हैं। इसीलिए आगरा में आप देखेंगे कई सारे फेयर होते हैं, कई सारे त्यौहार होते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फेयर होता है आगरा के अंदर वो है ताज महोत्सव। ताज महोत्सव ताज महल के पीछे होता है और जो आर्टिस्ट आते हैं इसमें ऑल ओवर द कंट्री से आर्टिस्ट आते हैं। हाँ, मेहताब बाग फेमस है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया आगरा। आगरा के अंदर की जो जो मैंने चीज़ें थी बहुत इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने सारी आपको बताई है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों प्रोमिनेंट है, मुगल आर्किटेक्चर और मुगल उसका पूरा, ये आगरा जो सिटी है आगरा और उसके आसपास की जगह मुगलों का पूरा एक आपको छाप वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए अब मुझे कोई बता सकता है कि ये किस चीज़ की इमेज है? आगरा का मैंने आपको बता दिया, ये इमेज जो बता देगा 5 रुपये का इनाम उसको। बताइए ये इमेज किस चीज़ की है? कौन बता रहा है मेरे को कि ये इमेज किस चीज़ की है? ये इमेज बता सकता है कोई? देखिए ये अगरतला, अगरतला जो है जो कि त्रिपुरा की राजधानी है, वहां पर उज्जैयंता पैलेस है। ये क्या है? उज्जैयंता, उज्जैयंता पैलेस। तो हम नहीं, अब हम अगरतला त्रिपुरा की राजधानी, ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला, वहां पे उज्जैयंता पैलेस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा अभी देखिए। चलिए तो देखिए उज्जैयंता पैलेस, अब अगरतला के बारे में पहले जान लीजिए अगरतला क्या है। तो अगरतला इज द कैपिटल सिटी, राजधानी है, कैपिटल सिटी ऑफ स्टेट ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है हमारे, ठीक है। तो उसकी जो राजधानी है वो है अगरतला। अब देखिए ये भी एक नदी के किनारे स्थित है और जो नदी का नाम है वो है हावरा, हावरा रिवर। हावरा रिवर पे ये एस्टेब्लिश है और लोगों का जीवन यापन इसी नदी से चलता है ज़्यादातर। इंडिया का जो बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से, उसके बहुत ही ज़्यादा ये नज़दीक है ये, ठीक है। अब देखिए जो लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे लोगों के द्वारा वो कौन सी है? कोकोरोक, कोकबो रोक, कोकबो रोक भाषा बोली जाती है यहाँ पे, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 22 भाषाएं रिकॉग्नाइज की गई हैं उसके अंदर ये भाषा मान्य है, ठीक है। और जो सबसे एक आउटस्टैंडिंग पैलेस है, जो पैलेस है इंडिया को वहां पे अगरतला के अंदर, वो है उज्जैयंता पैलेस, ठीक है। अब देखिए जो ये पूरी की पूरी सिटी देखेंगे अगरतला को अगर देखेंगे, कई सारे वहां पे टेम्पल्स हैं, यहाँ पे कई सारे टेम्पल्स हैं, तो मतलब रिलीजन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस जगह पे, ठीक है। तो एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ओल्ड टेम्पल जो सिटी में है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है ये सबसे, हाँ सबसे ओल्ड है, ठीक है।
और उज्जैनता पैलेस जो मैंने आपको बताया, जो मैंने फोटो दिखाई, ये उज्जैनता पैलेस, इसी उज्जैनता पैलेस के अंदर ही ये मंदिर स्थित है, इसी के कंपाउंड में बना हुआ है, ठीक है। और जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल यहाँ पे होता है वो दुर्गा पूजा होता है, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग जो रहते हैं अगरतला में वो हिंदुज़म को बिलीव करते हैं, हिंदुज़म को बिलीव करते हैं और हिंदू ही हैं, तो इसलिए दुर्गा पूजा मनाते हैं। और जो इम्पोर्टेंट इनका जो ट्राइबल फेस्टिवल होता है, जो इम्पोर्टेंट ट्राइबल फेस्टिवल है इस जगह का, वो है जैसे एक होता है खारची और दूसरा होता है गरिया पूजा। खारची और गरिया पूजा ये वहाँ के ट्राइबल जो लोग हैं वो ये फेस्टिवल मनाते हैं, खारची एंड गरिया पूजा। तो ये अगरतला के बारे में मैंने आपको बताया, इम्पोर्टेंट सिटी है। एक तो नदी याद रख लीजिएगा, हावड़ा रिवर के पास है। मेन भाषा कौन सी है, ठीक है, कॉकबोरोक। और जो मेन पैलेस है वहाँ पे वो है उज्जैनता पैलेस जो है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल वहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें आपको बेसिक बेसिक याद रखनी है। चलिए अब ये बता सकता है कोई देख के कि किस जगह की फोटो है और क्या मैं बताने वाला हूँ, एनीवन? ये किस जगह की फोटो है और मैं क्या बताने वाला हूँ, कोई बता सकता है क्या? तो अब जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो पिक्चर है दोस्तों, ये देख के तो शायद आप समझ जाओ, ये भी समझ जाओ, ये भी समझ जाओ, ये भी देख के समझ जाओ, और शायद ये भी देख के समझ जाओ। ये जो पिक्चर है वो कहाँ की है? अहमदाबाद। ये पिक्चर कहाँ की है? अहमदाबाद, जो कि सिचुएटेड है गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर अहमदाबाद। ये साबरमती आश्रम है, ठीक है, ये अक्षरधाम मंदिर है, ये स्टेडियम बना है जो जिसमें मोदी हाउडी कार्यक्रम, ये अभी जो ट्रम्प आए थे तो कार्यक्रम हुआ था, ये रिवर फ्रंट है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट सिटी के बारे में, अहमदाबाद के बारे में, ठीक है। तो अहमदाबाद जो है वो गुजरात का पहले कैपिटल था, अभी चेंज हो गया है, ठीक है, और अभी जो कैपिटल है वो गांधीनगर हो गया है। और ये गुजरात के अंदर लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, मोटेरा स्टेडियम, यस। और अगर मैं बात करूँ तो जो हाई कोर्ट है स्टेट का वो यहीं पे सिचुएटेड है, ठीक है। और यहाँ का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो मनाया जाता है वो है नवरात्रि फेस्टिवल। नवरात्रि फेस्टिवल में क्या होता है, 9 डे का फास्टिंग होती है, दुर्गा माता माता की पूजा होती है, दुर्गा माता की पूजा होती है और ये मनाया जाता है। और वहाँ पे एक डांस होता है जिसको कहा जाता है गरबा। गरबा क्या है? इट इज़ अ फोक डांस, इट इज़ अ फोक डांस, गुजराती लोग जो है वो मना करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल यहाँ पे होता है उत्तरायण, उत्तरायण को आप हिंदी में बोलते हैं बसंत पंचमी, बसंत पंचमी, तो उत्तरायण यहाँ पे है, ठीक है। और बसंत पंचमी के दिन कहा जाता है अहमदाबाद में खासकर बहुत से लोग पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, और जनवरी के महीने में बसंत पंचमी आता है और बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिर पतंग उड़ाते हैं। तो अगर आप देखें, अगर कल्चरली देखें इस सिटी को, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। जैसे गुजरात, गुजराती विद्या सभा है और गुजराती साहित्य परिषद भी यहीं पे आपको मिलेगी। तो गुजरात का जो लिटरेचर है, लिटरेचर की जो एक्टिविटी है, म्यूज़िक हो गया, ये सब आपको यहाँ मिलेगा। गुजरात में एक स्कूल है जिसको कहा जाता है सप्तक स्कूल ऑफ म्यूज़िक, तो ये सारा का सारा अहमदाबाद सिटी में आपको देखने को मिलेगा। गुजरात में एक फेमस होती है गुजराती थाली। गुजराती थाली के अंदर क्या होता है? रोटी, दाल, अलग अलग प्रकार की सब्जी, अचार मिलेगा आपको, पिकल्स, चटनी मिलेगी आपको, स्वीट डिशेस मिलेंगे आपको, ये गुजराती थाली है। और अगर बाकी के जो मेजर फूड आइटम्स आप गुजरात के देखने चाहेंगे वो होगा उसमें क्या क्या, जैसे थेपलाज, थेपला, ढेबरा और ढोकला, ये सब आपको मिलेगा। और ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे, ठीक है, ये सब बहुत वहाँ पे क्या है, फेमस है।
और ऐसा भी होता है कि विश्व के कई जगहों पे इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो ये था हमारा अहमदाबाद गुजरात के बारे में, जो कि इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बताइए ये क्या है। चलिए अब बताएंगे ये जो मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, ये किस चीज की पिक्चर है। कोई बता सकता है ये किस चीज की पिक्चर है? तो ये जो पिक्चर है ये है अजंता केव्स, अजंता केव्स। अगर ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं तो ये पिक्चर किस चीज की है? अजंता केव्स, अजंता केव्स। ठीक है, सो ये पिक्चर जो है वो अजंता केव्स की है। देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए ये जो केव है, अजंता केव जो है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद, वहां पे, महाराष्ट्र जो स्टेट है वहां पे औरंगाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। अब ये फेमस क्यों है? फेमस होने का जो सबसे बड़ा कारण है क्योंकि यहाँ पे 29 रॉक कट बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स मिले हैं। 29 रॉक कट बुद्धिस्ट के मॉन्यूमेंट्स मिले हैं यहाँ पे, और इसके ऊपर इमेजेस बनी हुई हैं, कार्व्ड इमेजेस बनी हुई हैं इनके ऊपर। ठीक है, वॉल के ऊपर। और जो ये मॉन्यूमेंट है वो कहा जाता है कि वो 2nd BC से लेकर 5th BC तक पुरानी है, और इसको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में इसको मिला लिया गया था। ठीक है, अब स्टेट जो है वो इसको प्रोटेक्ट करती है, परंतु जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इसको प्रोटेक्ट कर रही है, डैमेज होने से बचा रही है। और अजंता केव्स को अगर आप जानते हैं तो वहां पे आसपास जो है बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, यहां पे फॉरेस्ट है, और पहले इसको यूज नहीं किया जाता था, लोग नहीं जाते थे। परंतु क्या हुआ, एक ब्रिटिश ऑफिसर था जो कि हंटिंग करने गया हुआ था, हंटिंग पार्टी में गया हुआ था, और 1819 में इसने इस जगह को खोज निकाला। ठीक है, और केव्स को नंबर दिया गया, तो 1 से लेकर 28 तक ये केव नंबरिंग हुए। ठीक है, यू शेप में है, अलग तरीके से, इस तरीके से यू शेप में है ये। ज्यादातर जो इसके अंदर आठ आठ जो फिगर है, आठ के बारे में इसमें जो है वो क्या है, जो जातका की कथाएं हैं, जातक कथाएं हैं, उनके बारे में दे रखा है। इनके जो वॉल्स हैं, वॉल्स के ऊपर जो है जातक कथा लिखी हुई है। और अगर ये केव आप देखोगे तो जो एलोरा, एलोरा की जो केव्स हैं उसके बहुत ज्यादा नजदीक में बनी हुई है। हाँ, एलोरा की केव्स हैं। और एलोरा की केव में क्या है, एलोरा की केव के अंदर आपको हिंदुज्म की इमेजरी मिलेगी, हिंदुज्म के इमेज बना रखे हैं, और जैनिज्म के बना रखे हैं, अजंता में आपको बुद्धिज्म के बना रखे हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अजंता केव्स के पास एक नदी बहती है जिसका नाम है वाघूर। अजंता केव के पास एक नदी बहती है जिसका नाम है वाघूर नदी, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो ये अजंता के बारे में हो गया। अब ये बताएंगे कि ये क्या है, इसके बारे में बताइए कि ये क्या है। गोल्डन टेम्पल, यस, ये क्या है, गोल्डन टेम्पल। सो गोल्डन टेम्पल जो है, गोल्डन टेम्पल जो है ये कहाँ पे है? इट इज सिचुएटेड इन अमृतसर।
अमृतसर। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? अमृतसर के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल सिटी है इंडिया की, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। आ जाइए, देखिए अमृतसर का जो रियल नेम है वो है रामदासपुर। वो क्या है? रामदास पुर, ठीक है? जो रियल नेम है इसका वो है रामदासपुर। और अगर आप इसको देखेंगे, आज की डेट में इसका नाम अमृतसर रखा गया है, ठीक है? पंजाब में पाया जाता अमृतसर जो है, कौन सी जगह पे, कौन से स्टेट में है? पंजाब के अंदर, ठीक है? गोल्डन टेम्पल का असली नाम जो है श्री हरमिंदर साहिब, या फिर गोल्डन टेम्पल भी आप कह सकते हैं, श्री हरमिंदर साहिब, या फिर आप गोल्डन टेम्पल इसको नाम दे सकते हैं। और कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, हाँ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट गुरुद्वारा ऑफ द सिख कम्युनिटी। सिख कम्युनिटी का सबसे पुराना गुरुद्वारों में से एक है, ठीक है? तो जो अकाल तख्त है, अकाल तख्त की भी जगह यहीं पे है। अकाल तख्त का मतलब क्या है? सिखों की जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो सिखों की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, जिसको खालसा कहते हैं, उसकी सीट जो है वो यहीं पे अमृतसर में ही, ठीक है? और सिखों के जितने भी सेक्ट हैं उन सबको यही मैनेज करते हैं, गुरुद्वारों की देखभाल यही लोग करते हैं। गोल्डन टेम्पल जो है 2004 में उसको टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2004 में रखा गया। और अमृतसर की एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो वाघा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, हमारा वाघा बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ, ये लगता है वहां पे, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करता है, ठीक है? हिस्ट्री भी अगर आप पढ़िए, इंडिया की अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो अमृतसर का जो नाम है बहुत आगे है। क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ, वो यहीं पे हुआ, ठीक है? इसमें जो ब्रिटिश जनरल था डायर, उसने पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी थी, और इसी के उसमें एक मेमोरियल भी बना हुआ है, यहाँ पे एक मेमोरियल भी बना हुआ है, ठीक है? और जो आखिरी सिख रूलर थे महाराजा रंजीत सिंह, उनकी सीट भी यही है, ठीक है? और एक म्यूजियम इनकी याद में बनाया गया है यहाँ पे। तो मेजर अगर कोई जगह अमृतसर में आपको घूमनी है तो क्या है, गोविंदगढ़ फोर्ट है वहाँ पे, और एक रामबाग गार्डन है। तो एक गोविंदगढ़ फोर्ट है और एक रामगढ़ गार्डन है, ये आपका अमृतसर के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बताइए ये क्या है? इसको आप बताइए कि आपको ये क्या लग रहा है, कौन सा टेम्पल है ये? इसको बता सकता है कि कोई क्या है, ये कौन सा टेम्पल है? देखिए ये जो टेम्पल है वो है महा बोधि टेम्पल। ये महाबोधि टेम्पल है जो कि स्थित है आपकी गया के अंदर, या बोध गया, या आप इसको बोलिए बोध गया, ठीक है? अब आइए इसके बारे में, बोध गया के बारे में जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। तो बोध गया जो है कौन से स्टेट में है? बिहार के अंदर, और इट इज वन ऑफ द सेक्रेड प्लेसेस किसका? बुद्धिज्म का, वन ऑफ द सेक्रेड प्लेसेस में से। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बोध गया में मोन्यूमेंट है वो है महाबोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है वहां पे, ठीक है? जो ये टेम्पल है और इसका जो पूरा कॉम्प्लेक्स अगर आप देखेंगे, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया है, इसको यूनेस्को की
वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको लिया गया है, महाबोधि टेम्पल को, ठीक है। कब लिया गया था? 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया था। और कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पे जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध जो है इनको एनलाइटनमेंट हुई थी, एनलाइटनमेंट हुई थी, या दूसरे शब्दों में बोले तो निर्वाण हुआ था, ठीक है। और बोधि ट्री जो है वो पेड़ है, जो बोधि ट्री है वो पेड़ है जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मोक्ष, ठीक है। अब यहाँ पे एक एनुअल फेयर होता है, सालाना यहाँ पे एक वो होता है, फेयर होता है, मेला लगता है वैशाखी में। बुद्ध पूर्णिमा जब होता है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पे क्या होता है, एक मेला लगता है, एक फेयर लगता है, ठीक है। अब अगर पुराने टाइम में देखेंगे तो इस जगह को नाम दिया गया था जैसे उरुवेला, उरुवेला, वज्रासना, वज्रासना, और या फिर महाबोधि, पुराने टाइम में नाम दिया गया था, या संबोधि, या संबोधि। और ये जो सारे के सारे जो नाम है ये किसको डिनोट करते हैं? तो व्हाट डज इट डिनोट? कि भगवान बुद्ध जो है वो सॉल्वेशन उनको प्राप्त हो रही है, इस चीज को डिनोट किया जाता है, ठीक है। और जो मेजर अगर आप देखेंगे इस पूरे एरिया में, एक जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, एक मेजर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है वो है बोधिमंडा विहार। एक ये बोधिमंडा विहार क्या है, एक पूरी मोनेस्ट्री है इस जगह पे, ठीक है। चलिए अब मुझे इस पिक्चर को कोई मुझे बताए कि ये किस चीज की पिक्चर आपको नजर आ रही है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मुझे कोई बताए कि ये क्या है। ये जिसने बता दिया उसको तो मैं इनाम दे दूंगा सच में। तो ये जो जगह है इसका नाम है भीम बेट का, ये जो जगह है इसका नाम क्या है, भीम बेट का। क्या है भीम बेट का, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो जगह है ये भीम बेट का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भीम बेट का जो जगह है जिसकी मैंने फोटो आपको दिखाई, ये हमारे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। और कहा जाता है कि ये जो है ये एक प्री हिस्टोरिक, एक प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर है, रॉक शेल्टर है। और कहा जाता है कि कई सारे जो एक्सपर्ट है उन्होंने इसको स्टडी किया है, जो आर्ट है वॉल के ऊपर, जो आर्ट है इनको स्टडी किया है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है पूरा का पूरा ये पैलियोलिथिक पीरियड से बिलोंग किया करता है, ठीक है। और क्या शो कर रहा है, व्हाट डज इट शोज? इट शोज द ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ के ट्रेसेस को शो कर रहा है, ह्यूमन लाइफ कैसे शुरुआत हुई, कैसे आगे बढ़ी, ये सब शो कर रहा है, ठीक है। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2003 में इसको घोषित किया गया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रखा गया। और वहाँ पे जब स्टडीज की गई है इस जगह पे, तो यहाँ से क्या पता लगा है हमको, ये पता लगा है कि जो होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस जो है इन रॉक शेल्टर्स के अंदर कहा जाता है 1 लाख ईयर्स अगो, 1 लाख ईयर अगो होमो इरेक्टस जो यहाँ पे रहते थे। और कहते हैं कि इसमें जो रॉक पेंटिंग मिली है मोस्ट रिसेंट, वो 30,000 साल पुरानी है। मतलब इसके ऊपर जो पिक्चर बने हुए आप मानिए वो 30,000 साल पुराने पिक्चर्स बने हुए हैं भीम बेटका में, ठीक है। और जो इसका एक एक कहानी है कि इसका नाम भीम बेटका क्यों पड़ा,
भीम बेटका, बेटका का मतलब होता है बैठक, तो कहते हैं कि भीम जो है वो यहाँ पे बैठता था, इसलिए इसका नाम भीम बेटका पड़ा है। और भीम कौन था? वन ऑफ द पांडवास ब्रदर, तो वन ऑफ द पांडवास ब्रदर था भीम, और वो यहाँ पे बैठते थे। और ये जो रॉक शेल्टर को आप देखेंगे, मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको, ये जो अगर आप रॉक शेल्टर को देखेंगे यहाँ पे, इसमें कई सारी लेयर्स मिलेंगी आपको, लेयर्स ऑफ इनहिबिटेशन, कई सारी लेयर मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या चीज पता लग रही है, इसमें आपको डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, जहां पे बोसोन हो गया, राइनो हो गया, टाइगर्स, इन सब की आपको हड्डियां मिलेंगी, हड्डियां नहीं डायग्राम मिलेंगे आपको। ठीक है, ह्यूमन के फिगर मिलेंगे आपको, और फिगर तो मिले हैं उसके, उनके पास वेपन्स दिखाए गए हैं, ह्यूमन जो है उनके पर वेपन्स हैं। ठीक है, और सोशल इंटरेक्शन की चीजें भी दिखाई गई हैं कि कहीं पे क्या हो रहा है, डांसिंग हो रहा है, कहीं पे बुरियल हो रहा है, कहीं ड्रिंकिंग हो रहा है, कहीं ईटिंग हो रहा है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पेंटिंग अगर आप इसके अंदर देखते हैं वो क्या है, इट इज फ्रॉम अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड्स है, और इसमें दिखाया जाता है कि काफी वाइडेंट कलर पैटर्न है, जैसे कि रेड है कहीं पे, वाइट है कहीं पे, ठीक है, येलो है कहीं पे, ये सारी चीजें मिली हैं वहां पे। यही तो बड़ा क्वेश्चन है ना, यही बहुत बड़ा क्वेश्चन है अतुल, कि उस टाइम पे कैसे बनाया इन्होंने। वहां पे इसी जगह पे एक जू रॉक भी मिलता है, कि क्या इंटेलिजेंट थे इतने पुराने लोग कि उन्होंने ये सारी चीजें बना दी उस टाइम पे। और इसमें खासकर जानवरों की फोटो बहुत बनी हुई है, तो इसीलिए ये जो भीम बेटका है इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने अभी भी इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो यार मेरे तो बहुत इसको देखने का मन कर रहा है कि जाके एक बार हम देख के आए कि 23,000 साल पहले क्या लोग इतने विकसित थे कि वो डायग्राम बना सकते हैं, क्या उनकी इतनी कैपेबिलिटी थी, ये बड़ा सोचने वाली बात है। तो है ना इंटरेस्टिंग, ये आपको इंटरेस्टिंग लगा ना, ये भीम बेट का, इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ऐसे ही मैं आपको इंडिया के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसी ऐसी जगहों के बारे में आपको बताऊंगा मैं, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा। आने वाली 3-4 क्लासेस के अंदर मैं आपको बहुत सारी जगहों के बारे में बताने वाला हूँ, एक एक इंपॉर्टेंट सिटी, एक एक इंपॉर्टेंट जगह के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, कोई बता सकता है कहाँ की है फोटो? एनीवन, कोई बता सकता है क्या है? एनी गेस? या बहुत बढ़िया, सो दिस इज रॉक गार्डन, रॉक गार्डन चंडीगढ़। ठीक है, ये है रॉक गार्डन चंडीगढ़, अतुल ने बिल्कुल सही बोला है, अतुल पूरा खो गया पढ़ाई में मुझे ऐसा लगता है। अब चंडीगढ़ के बारे में देखते हैं, सो चंडीगढ़ जो है एक्चुअली में क्या है, ये एक यूनियन टेरिटरी है, और इसका जो ये कैपिटल भी है किसका, पंजाब और हरियाणा दोनों का। और आप देखेंगे अगर आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इट इज अ मार्वल, इट इज अ मार्वल, गजब बनाया इन्होंने। और इंडिया की फर्स्ट प्लांट सिटी है, फर्स्ट फर्स्ट प्लांट सिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्लांट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका जो मास्टर प्लान था, इसका जो मास्टर प्लान था वो किसने बनाया था, स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट था जिसका नाम था ली कॉर्ब्यूजियर, ली कॉर्ब्यूजियर ने
चंडीगढ़ का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया था, और इसी में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है चंडीगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी इसी ने बनाया है। ये जो पूरा सिटी है आप देखेंगे अगर, हेवली फॉरेस्टेड है और थर्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है इंडिया के अंदर। जो शिवालिक माउंटेन है उसी के फुटहिल्स पे ये सिचुएटेड है, और काफी गजब मतलब अच्छी जगह है देखने के लिए। यहाँ पे एक लेक है सुकना लेक, सिटी का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, सिटी का अगर जो नॉर्दर्न हिस्सा मैं बोलूँ तो सुकना लेक ही है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट जो दूसरा जो फीचर है यहाँ पे वो है रॉक गार्डन, जिसको मैंने आपको दिखाया, ये है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन को बनाया कि इन्होंने नेकचंद जी ने रॉक गार्डन को बनाया। कैसे बनाया? वेस्ट मटेरियल से इन्होंने बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए यहाँ पे, ऐसे ऐसे डिजाइन बनाए वेस्ट मटेरियल से जो देखने लायक हैं, जैसे मेटल के वायर से, बैंगल से, टाइल से, मडगार्ड से, फर्क से, ये सब बनाए, ठीक है। और यहीं पे एक है रोज गार्डन, एक और है रोज गार्डन, ठीक है। जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, ठीक है, उसके नाम पे रोज गार्डन बनाया गया। और कई सारे वहां पे आपको मेडिसिनल प्लांट भी मिलेंगे। चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट प्लांट एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए चंडीगढ़ के बारे में आपको इतने कुछ जानने के लिए मिल गया। चलिए अब मुझे ये बताइए ये किस चीज की फोटो है। कोई बता सकता है ये क्या है? यस, ये क्या है? तो अब देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये है आपका चांपानेर पवागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। अब देखते हैं ये क्या है। गुजरात का पंचमहल डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे ये सिचुएटेड है। और ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। 2004 में इसको डाला गया। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं इस कंपाउंड को, इसमें आपको कई सारे फोर्ट मिलेंगे, गेट मिलेंगे, मॉस्क मिलेंगे, टेम्पल मिलेंगे, ठीक है। और जो इसका कल्चर आपको देखने को मिलेगा वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं यहाँ पे रहने के लिए घर। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो अर्लीस्ट सेटलमेंट है इस जगह पे, वो चालकोलिथिक टाइम से ही है ये, ठीक है। इसके अंदर टैंक बने हुए हैं, वेल बने हुए हैं, जो कि बहुत पुराने हैं। और कहा जाता है कि जो सोलंकी राजा हुआ करते थे उस टाइम पे, सोलंकी किंग जो हुआ करते थे, उनके भी यहाँ पे अवशेष मिलेंगे। और इन्होंने, सोलंकी किंग जो थे, उन्होंने यहाँ पे हिल फोर्ट्रेस बनाया था। कब? 14th century में। और ये जो पार्क है पूरा का पूरा, हाँ जी, फुटहिल ऑफ आपका पवागढ़ जो है वहाँ पे, उसी के पवागढ़ एक हिल स्टेशन मान लीजिए। और यहाँ का एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोन्यूमेंट है वो कालिका माता टेम्पल है। जो वहाँ पे कालिका माता टेम्पल है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है आपको, ठीक है। अब बोला ये जाता है कि जो सुल्तान महमूद बिगाड़ा, हाँ, सुल्तान महमूद बिगाड़ा जो है, जो कि मुस्लिम रूलर थे अहमदाबाद के, उन्होंने इस कैपिटल को कब्जा कर लिया था। और चांपानेर में कहते हैं कि उन्होंने कई सारी चीज़ें बनाई थी। जो एक मोस्ट फेमस यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट है, अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो, नगीना मस्जिद जो है
ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। और कहा जाता है कि ये जो सिटी है कब डिक्लाइन हो गई, कि जब हुमायूं है, हुमायूं ने इसको इन्वेड कर दिया, तो मुगलों के आने से पहले इंडिया की जो पूरी हिस्ट्री का एक नमूना अगर आपको देखना है तो चंपानेर पावागढ़ जाइए आप, वहां पे आपको देखने को मिलेगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस है ये। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको चीजें बताई। अब 10-12 मिनट में आपको दे रहा हूं, किसी भी प्रकार का प्रश्न, कोई भी डाउट, किसी भी चीज का आप पूछिए, आई विल रिप्लाई। अब क्वेश्चन आंसर सेशन है, ठीक है, आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। रूलर का नेम उसमें नहीं दे रखा, मैं बता दूंगा रूलर का नेम। पूछिए आप लोग अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछिए। आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं दोस्तों, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप पूछिए। हाँ जी बिल्कुल, यही फॉर्मेट यूज हुआ है, सही बोल रहे हैं आप। बाकी बच्चे कहाँ गए, वहाँ के वो कहाँ गई, शुमेला शुमेला कहाँ गई, और भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। हाँ, चाइनीज थ्योरी है, इससे भी रिलेटेड अलग भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपनी प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग। बाकी तो मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ आपको, अभी दिल्ली जयपुर बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिटीज पढ़ाऊंगा आपको, बहुत नॉलेजेबल हो जाएगा ये। क्वेश्चन नहीं है शुमेला, आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन पूछा कीजिए आप लोग। नो क्वेश्चन, ओके। आज जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया अच्छे से, कोई डाउट है उसके अंदर जो मैंने पढ़ाया उसमें से कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, समझ में आया सब कुछ जो मैंने पढ़ाया? इन्वायरमेंट साइंस के लिए आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की शंकर आईएएस की बुक है वो पूरी ले लीजिए आप। और वैसे एक हमारे अनअकैडमी पे सर हैं, अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाते हैं सर, मोहम्मद रिजवान करके नाम है सर का, आप उनसे पढ़े, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। शंकर आईएएस की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, बट रिजवान सर से पढ़िए आप, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चाहे आप सुदर्शन गुज्जर सर हैं, उनकी भी इन्वायरमेंट पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छा है।
पूछिए पूछिए, और डाउट पूछिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पूछ लीजिए, जो पूछना है पूछिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि बीए के सब्जेक्ट ले, आप कोई से भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपने बीए हो सकता है किसी और चीज़ में किया हो, ऑप्शनल आप कुछ और भी ले सकते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा वही आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर आज की क्लास हम रैप अप कर देते हैं। अगर आप कोई डाउट नहीं है तो कल हम ले कल शुरू करते हैं दोबारा से। कल हम अच्छा, बुक्स आपको पता करनी है, ठीक है, मैं आप लोगों को बुक्स बता देता हूँ। देखिए बुक्स, अगर आप लोगों को बुक्स का पता करना है तो जैसे पॉलिटी के लिए तो आप लोगों को पता ही है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत यूज़ करनी है आपको, ठीक है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आप लोगों को सभी को यूज़ करनी है। आप लोग सब्जेक्ट लिखते रहिए, मैं आपको बुक बताता लूँगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं ही बता दूंगा। सब्जेक्ट आप लोग बता दीजिए, कौन से सब्जेक्ट की बुक आपको पता करनी है, क्योंकि ऐसे मैं लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग सब्जेक्ट बोलो, मैं बुक का नाम बता दूंगा, आप वो बुक यूज़ कर लीजिए। सब्जेक्ट बता दीजिए, मैं बुक बता दूंगा आपको। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है आप लोगों को, खासकर 11th और 12th की। एक 6th क्लास की ज्योग्राफी, 6th और 11th 12th की ज्योग्राफी पढ़नी है आपको। इसके साथ जीसी लियोंग ले लेना, और एक एटलस, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सुदर्शन गुज्जर सर की ज्योग्राफी की क्लास ले लो उनसे, ये इन बुक्स के अलावा उन सर से ज्योग्राफी पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। और पूछ लीजिए, और कौन सी बुक बताओ। शुमेला, तुम्हें कौन से सब्जेक्ट का पता करना है बताओ। हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम, एंशियंट और मेडिवल के लिए ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। इसके अलावा मेरी क्लासेस आप लोग ले लेना, आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। और देखो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप लोग बहुत सीरियस हो अपनी प्रिपरेशंस के लिए और एफोर्ड कर सकते हो, अगर क्योंकि ज़्यादा महंगा नहीं है, तो प्लस कोर्स के लिए का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आपकी ज़्यादा बेटर प्रिपरेशंस हो जाएगी। क्योंकि ये जो क्लासेस होती हैं सब डेमो क्लासेस होती हैं, इनके अंदर आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कभी नहीं कराया जाता है। और यूपीएससी जो है ऐसा नहीं है कि आप डेमो क्लासेस या इन सबको ले लेके आप पढ़ के कर लोगे। अगर आप एफोर्ड कर सकते हो, वैसे लेना तो अच्छी बात है, बट अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप लोग प्लस कोर्स ले लीजिए। उसमें 6 महीने 1 साल का
होता है, कोर्स है, उसमें ज़्यादा फीस भी नहीं है अगर आप कंपेयर करें बाकी के कोचिंग से। वहाँ पे आपको इंडिया बहुत अच्छे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को। बाकी तो आप लोगों का, आपकी समझदारी है, आपके मम्मी पापा से डिस्कशन कर सकते हैं आप कि क्या करना है आप लोगों को। बट मैं यही, क्योंकि मैं पर्सनली, मैं खुद भी, मतलब मैं क्लासेस देख चुका हूँ, मैं खुद, एक तो मैं खुद प्लस पे पढ़ाता हूँ, मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बाकी टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं मैं उनकी क्लास भी लेके देख चुका हूँ। तो मेरे को, और मैंने खुद ऑफलाइन कोचिंग में, मैंने कोचिंग ली है, मतलब पढ़ा हूँ मैं, तो मुझे वहाँ से कहीं ज़्यादा बेटर लगा, ये कंसेप्ट ही बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके, अभी आप लोग की एज है, ठीक है, यू कैन वेट। अभी आप लोग की अगर एज कम है तो यू कैन वेट, जब आपका टाइम आ जाए तब आप ले सकते हैं तैयारी करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शनल अगर हिस्ट्री भी है तो भी सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। देखो ऑप्शनल और जीएस का बिल्कुल अलग कंसेप्ट है दोनों का, जीएस के लिए आप अलग से पढ़ोगे और ऑप्शनल के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल अतुल, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, तो फिर आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं यहीं पे, कल दोबारा मिलते हैं सेम टाइम पे। बाय।